जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, नवरात्रि का समय चल रहा है और ऊंचे पहाड़ पर स्थित माता बम्लेश्वरी के मंदिर में अभी काफ़ी भीड़ लग रही है। जी हां, माता बम्लेश्वरी मंदिर, यहां दूर दूर से लोग माता का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। माँ बम्लेश्वरी मंदिर जो कि लगभग 2000 साल पुराना मंदिर माना जाता है, इस मंदिर के इतिहास से जुड़ा है एक नर्तकी और एक संगीत प्रेमी के अधूरे प्यार की कहानी। दोस्तों, यही वो जगह है जहां उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे और तभी देवी मां ने प्रकट होकर उन्हें रोक लिया था। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ यही ऐतिहासिक सत्य घटना शेयर करने जा रहे हैं कि क्यों आखिर राजा विक्रमादित्य आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे और इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी मंदिर की ख्याति आज न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी है। इस शक्तिपीठ का इतिहास लगभग 2200 साल पुराना माना जाता है। यह स्थान पहले कामाख्या नगरी के नाम से जाना जाता था और जिसका नाम बदलते बदलते डोंगरी और फिर डोंगरगढ़ हो गया। ऊंची पहाड़ी पर लगभग 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है मां बम्लेश्वरी मंदिर। यहां आपको माता के दर्शनों के लिए लगभग 1100 सीढ़ियां पार करनी होती है, लेकिन यदि आप सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ हैं तो यहां आपको रोपवे यानी कि उड़न खटोले की व्यवस्था भी मिल जाती है। यहीं नीचे छोटी बम्लेश्वरी भी है जिन्हें माँ बम्लेश्वरी की छोटी बहन कहा जाता है। तो आइए इस मंदिर से जुड़ी इस अद्भुत कहानी को जानते हैं। कामाख्या नगरी में कला, नृत्य और संगीत के लिए प्रसिद्ध कामकंदला नाम की एक राज नर्तकी हुआ करती थी। कामकंदला नृत्य कला में बेहद निपुण तो थी ही, साथ ही साथ वह अप्रतिम सुंदरी भी थी। उसकी सुंदरता और नृत्य कुशलता के चर्चे दूर दूर तक कई राज्यों में फैले हुए थे। एक दिन की बात है, राज दरबार में कामकंदला का नृत्य चल रहा था। ठीक उसी समय माधव नल नाम का एक संगीतज्ञ राज दरबार के समीप से गुजर रहा था। जब माधव नल ने वह संगीत सुना तो वह संगीत प्रेमी तो था ही, तो वहीं बैठकर संगीत सुनने लगा। कुछ देर बाद माधव नल को लगा कि उसे अंदर जाना चाहिए, तो माधव नल ने राज दरबार में प्रवेश करना चाहा, लेकिन दरबारी ने उसे अंदर जाने की आज्ञा नहीं दी। तब माधव नल बाहर ही बैठ गया और तबले और घुंघरू का आनंद वहीं बैठकर लेने लगा। जब संगीत को गौर से सुना गया तो संगीत को सुनते सुनते माधव नल को लगा कि तबला वादक का बायां अंगूठा नकली है और नर्तकी के पैर में बंधे घुंघरू में से एक घुंघरू में कंकड़ नहीं है और इस कारण से ताल में कुछ अशुद्धि आ रही है। तब माधव नल अचानक बोल पड़ा, मैं व्यर्थ में यहाँ चला आया और व्यर्थ ही यहाँ बैठा रहा। यहाँ के राज दरबार में एक भी ऐसा संगीतज्ञ नहीं है जिसे ताल की सही पहचान हो और जो अशुद्धियों को पकड़ सके। जब द्वारपाल ने उस अजनबी की यह बात सुनी तो उसने अपने राजा और राज दरबार के बारे में इस प्रकार के निंदा युक्त शब्दों से बोलने के लिए उसे तुरंत रोका, परंतु माधव नल नहीं माना। वो बोलता ही रहा कि यहाँ सब अज्ञानी हैं, कोई संगीत में नहीं समझता है। तब दरबारी तुरंत राज दरबार में गया और राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने दरबारी को माधव नल को अंदर लाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर द्वारपाल माधव नल को सादर राज दरबार में लेकर आया और उसके कथन की पुष्टि की गई। जब उसकी कथन की पुष्टि हो गई तो उन्हें एक संगत का मौका दिया गया। माधव नल तबले पर बैठकर संगत देने लगा। माधव नल की संगत में कामकंदला नृत्य करने लगी और जब माधव नल की संगत में कामकंदला नृत्य करने लगी तब ऐसा लग रहा था मानो राग रागनियों का अद्भुत संगम हो रहा हो। तभी अचानक एक शरारती भोरा कामकंदला के वक्ष पर आ बैठ गया। थोड़े समय के लिए कामकंदला का ध्यान बटने लगा, लेकिन उसने अपने नृत्य चातुर्य से उस भोरे को आसानी से उड़ा दिया। उसकी इस चातुर्य भरी नृत्य क्रिया को कोई नहीं देख पाया, मगर माधव नल सब देख रहा था। कामकंदला के इस नृत्य चातुर्य ने मानो माधव नल को कामकंदला का दीवाना बना दिया और धीरे धीरे दोनों में प्रेम होने लगा।
जब यह बात वहां के राजकुमार मदनादित्य को पता चली तो उसे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एक दिन की बात है, माधव नाल के संगीत पर काम कंदला नृत्य कर रही थी और उस दिन माधव नाल बेहद मधुर संगीत दे रहे थे। उस दिन उन्होंने शानदार प्रस्तुति दी। माधव नाल की शानदार संगीत प्रस्तुति से राजा प्रसन्न हो गए। राजा ने प्रसन्न होकर माधव नाल को पुरस्कार दिया, लेकिन राजा के द्वारा दिया गया पुरस्कार माधव नाल ने तुरंत ही राज नर्तकी काम कंदला को दे दिया। अब माधव नाल के इस तरह के कृत्य से राजा कुपित हो गए, क्रोधित हो गए और राजा ने उसे तत्काल ही राज्य की सीमा से बाहर जाने का आदेश दे दिया। लेकिन काम कंदला के प्यार में मारा माधव नाल राज्य से बाहर नहीं गया और वहीं डोंगरगढ़ की पहाड़ियों में गुफा में छिपकर बैठ गया। अब काम कंदला अपनी सहेली माधवी के साथ रोजाना छुपकर माधव नाल से मिलने लगी। और दोस्तों, कामाख्या नगरी का राजकुमार मदनादित्य एक अय्यास प्रवृत्ति का इंसान था और वह भी काम कंदला को मन ही मन चाहता था और उसे पाना चाहता था। मदनादित्य के डर के कारण काम कंदला उससे प्रेम का नाटक किया करती थी। अब एक दिन माधव नाल रात्रि में काम कंदला से मिलने के लिए उसके घर पर आया हुआ था और वहीं उसी वक्त मदनादित्य भी अपने सिपाहियों के साथ काम कंदला से मिलने उसके घर चला आया। राजकुमार को वहां आता देखकर माधव नाल तुरंत पीछे के रास्ते से गुफा की ओर निकल गया। जब राजकुमार ने काम कंदला से उसके घर में आने वाली आवाज़ों के आने की बात पूछी तो काम कंदला ने कह दिया कि मैं तो दीवारों से बात कर रही थी। लेकिन मदनादित्य राजकुमार उसकी बात से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने अपने सिपाहियों को वहीं घर पर नज़र रखने के लिए खड़ा कर दिया और खुद महल की ओर चल गया। अब एक दिन काम कंदला पहाड़ी की ओर जाने लगी तो उसे जाता देखकर मदनादित्य वहीं रास्ते में बैठ गया, उसकी प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन काम कंदला दूसरे रास्ते से वापस अपने घर लौट आई। अब राजकुमार मदनादित्य को शक होने पर काम कंदला को उसके घर पर नज़रबंद कर दिया गया। काम कंदला और माधव नाल अब उसकी सहेली के माध्यम से, माधवी के माध्यम से पत्र भेजकर एक दूसरे से बात करने लगे। एक दिन राजकुमार ने माधवी को पत्र ले जाते हुए पकड़ लिया। राजकुमार के डर से और धन के प्रलोभन से माधवी ने राजकुमार के आगे सारा सच उगल दिया। राजकुमार मदनादित्य ने काम कंदला को राजद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया। उधर माधव नाल को पकड़ने के लिए उसने सिपाहियों की एक फौज भेजी। सिपाहियों को अपनी ओर आता देख माधव नाल पहाड़ी से निकलकर भागने लगा और भागता भागता उज्जैनी नगरी जा पहुंचा। उस समय उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन हुआ करता था। राजा विक्रमादित्य बहुत ही प्रतापी और दयावान राजा थे। माधव नाल ने अपनी सारी कहानी राजा विक्रमादित्य को बताई। उसकी करुण कहानी सुनकर राजा विक्रमादित्य ने माधव नाल को सहायता करने का वचन दिया और अपनी सेना सहित राजा विक्रमादित्य ने कामाख्या नगरी पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध कई दिनों तक चला। घनघोर युद्ध के बाद राजा विक्रमादित्य विजयी हुए और राजकुमार मदनादित्य माधव नाल के हाथों मारा गया। इस घनघोर युद्ध में वैभवशाली कामाख्या नगरी पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब चारों ओर केवल डोंगर ही डोंगर बचे रहे और इस प्रकार डोंगर राज्य नगर की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इस युद्ध के बाद राजा विक्रमादित्य ने काम कंदला एवं माधव नाल की प्रेम की परीक्षा लेने की सोची और एक मिथ्या सूचना, एक गलत सूचना फैला दी गई कि युद्ध में माधव नाल वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। जब काम कंदला ने यह बात सुनी तो उसने तालाब में कूदकर अपने प्राण दे दिए। और दोस्तों, जिस तालाब में कूदकर काम कंदला ने जान दी वह तालाब आज भी काम कंदला के नाम से विख्यात है। उधर काम कंदला के मरने के बाद माधव नाल ने भी अपने प्राण त्याग कर दिए। अब जब दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए तो राजा विक्रमादित्य को बड़ा दुख हुआ और राजा विक्रमादित्य ने पश्चाताप करते हुए माँ बम्लेश्वरी देवी बुगलामुखी की घोर तपस्या शुरू कर दी और अनंततः जब माता प्रसन्न नहीं हुई तो राजा विक्रमादित्य निराश होकर अपने प्राण त्याग करने को तत्पर हो गए और तब देवी ने प्रकट होकर अपने भक्त राजा विक्रमादित्य को आत्महत्या, आत्मघात करने से रोक लिया। तत्पश्चात
राजा विक्रमादित्य ने माता से वरदान मांगा कि इस प्रेमी जोड़े को जिंदा कर दो, मगर यह संभव नहीं था। तब इस प्रेमी जोड़े की याद के लिए, इस प्रेमी जोड़े के लिए राजा विक्रमादित्य ने वरदान मांगा कि हे माँ बुगलामुखी, आप अपने जागृत रूप में यही पहाड़ी पर प्रतिष्ठित हो जाएं। और तब माँ बुगलामुखी बमलेश्वरी नाम से यहाँ स्थापित हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार साक्षात बगुलामुखी महाकाली रूप में माता यहाँ डोंगरगढ़ में प्रतिष्ठित है। आप भी यहाँ माता के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ माता बमलेश्वरी के दरबार में प्रार्थना करता है, अपनी मन्नत रखता है, अपनी मुराद रखता है, उसकी मुराद माता अवश्य ही पूरी करती है। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस के अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।